रोहित और विराट इन दोनों के बीच मीडिया कितने भी विवाद खड़े करने की कोशिश करे, पर ये दोनों जानते हैं कि मीडिया को कैसे डील करना है। वेस्टइंडीज के साथ पहले T20 मैच से पहले रोहित से विराट की फॉर्म और क्या उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है, कुछ इस तरह का सवाल पूछा गया। ये सवाल कितना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला है, इसकी इम्पोर्टेंस आप बखूबी समझ रहे होंगे। पर क्या आप जानते हैं रोहित ने सवाल को कैसे हैंडल किया? क्योंकि ये बात तो सच है कि विराट इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, उनके बल्ले से रन बड़े ही मुश्किल से निकल रहे हैं। शायद विराट की जगह कोई और होता तो उसे टीम से बाहर कर दिया जाता, पर विराट विराट है। जब रोहित से ये सवाल पूछा गया कि क्या विराट की फॉर्म के चलते उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है, तो इसका जवाब देते हुए रोहित काफी गुस्सा हुए। रोहित ने अपने बयान में कहा, आप लोग कुछ समय के लिए उन पर सवाल न पूछिए, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। विराट 10 साल से भी ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। जब कोई इतने लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा होता है तो उसे दबाव झेलना आ जाता है। रोहित ने मीडिया से ये भी कहा कि अगर आप लोग शांत रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, आप विराट कोहली को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। इससे पहले वनडे सीरीज के दौरान रोहित से विराट कोहली के कॉन्फिडेंस को लेकर भी एक सवाल पूछा गया था, जिस पर रोहित ने जवाब देते हुए कहा था, विराट कोहली को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, क्या बात कर रहे हो यार। विराट पर रोहित का ये दोनों बयान आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्रिकेट की दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ट्रेंडी चिटचैट को।